तो फ्रेंड्स देखिए, अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम देखिए कितना अंधेरा है। अंधेरे में हम लोग जो है मुक्तेश्वर धाम पहुँचे हैं। तो प्राकृतिक गुफाएं जो है पांडवों द्वारा निर्मित, हम पांडवों ने जो है देखिए दोस्तों तपस्या की थी। भोलेनाथ देखे स्नान करते हुए, जय हो बाबा भोलेनाथ। दोस्तों देखिए, हम रात को पहुंच गए थे मुक्तेश्वर धाम, जैसे कि आपको पता ही है। और मुक्तेश्वर धाम पहुंचने के बाद यहां पर हमें रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से मिली। उसके बाद जो है हमने रात को भी दर्शन किए थे और अभी दोबारा से दर्शनों के लिए जा रहे हैं। स्नान कर लिया है नीचे, बहुत अच्छा से स्नान हुआ। और मेरे साथ है गौरव भाई। देखिए गौरव भाई जो है, गौरव भाई कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद, आप ये बताइए। बहुत बढ़िया, छोटी बात सुनाने के बाद बहुत बढ़िया। रात को बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिली रुकने की यहाँ पर। तो आइए दोस्तों करते हैं दर्शन। जो है ये सबसे पहले अब मैं जा रहा हूँ मेन गुफा, जो कि पांडवकालीन गुफाएं हैं। पांडवों ने यहाँ पर साधना की थी, स्तुति की थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो बाहर का जो व्यू है वो आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का समय है, सामने देखिए जस्ट अभी सूरज देवता ने दस्तक दी है। और ये सामने आपको जो है मंदिर का जो परिसर है वो आपको नज़र आएगा। जय हो हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर, भगवान की जय, जय हो। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों इस तरह को पहाड़ को काट करके देखिए, मैं आपको पूरा बाहर का जो दर्शन है करा रहा हूँ। इस तरह से पहाड़ को काट करके देखिए ये गुफा बनी है और बहुत ही अद्भुत ये गुफाएं हैं। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर। हर हर महादेव। ये अब हम आ चुके हैं गुफा के अंदर। हर हर महादेव। देखिए ये पहाड़ के अंदर ही माता की जो मूर्ति है वो उकेरी गई है और कितनी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर मूर्ति है दोस्तों। ये जो जगह है सच में बहुत ही पवित्र, बहुत ही रमणीय स्थान है। और यदि मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला स्थान है तो इस ये भी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप यदि खुद आएंगे और आप यहाँ ये सब देखेंगे तो सच में आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि किस तरह से ये गुफाएं जो हैं बनाई गई होंगी। देखिए यहाँ पर दो स्तंभ हैं और बाहर विराजमान है नंदी देवता, क्योंकि शिवालय के सामने नंदी देव होते ही हैं। आइए चलते हैं, सुबह के दर्शन करते हैं महादेव के, बहुत ही सुंदर। जय हो, जय हो, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, जय हो। हर हर महादेव दोस्तों, मैं अभी हूँ तीसरी गुफा में, जो कि मेन यहाँ की गुफा है। और यहाँ के शिवलिंग यदि आप देखेंगे तो सच में बहुत ही पौराणिक शिवलिंग है यहाँ के। देखिए आप मेरे वेबसाइट में आप देख रहे होंगे, तो ये शिवलिंग जो है यहाँ पर बहुत ही पौराणिक शिवलिंग है, पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है यहाँ पर, ये देखिए आप।
और बहुत ही सुंदर ये सारी गुफाएं हैं दोस्तों। तो मैं अनुज परासर स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आप तक ये मुक्तेश्वर धाम की जो गुफाएं हैं उनमें शिवलिंग जो हैं और जो भगवान भोलेनाथ की आकृतियां हैं और उनकी सारी वीडियो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों आशा है आपको बहुत पसंद आएंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए। हर हर महादेव लिख करके जो है मेरे को प्रोत्साहन दीजिए कि मैं आप तक और भी वीडियो ला सकूं हिमालय पर्वत की अनेकों अद्भुत जो गुफाएं हैं या जो मंदिर हैं, जो स्पिरिचुअल स्थान हैं भोलेनाथ के या और अन्य भगवानों के। तो दोस्तों प्लीज़ आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये यात्राएँ पहुँचाएँ। हर हर महादेव। बताएं यहाँ के बारे में थोड़ा। मेरा नाम पंडित हरि कृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों का जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के लास्ट में यहाँ पहुँचे थे। 6 महीना जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धुना है। ये जो मेरे पीछे है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई थी। अच्छा, ये पीछे द्रौपदी माता की रसोई है। हाँ जी। और 3 गुफा अभी ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी। एक को भंडार कक्ष में परिवर्तन कर दिया हमने, और 5वीं गुफा जो थी इस गुफा से भी दुगनी तिगनी बड़ी। ये बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है डैम वालों की वजह से। जलमग्न हो गई है। जलमग्न हो गई है डैम वालों की वजह के कारण। हाँ हाँ, डैम बन रहा है तो उनकी वजह से। ये मुक्तेश्वर धाम है, इसको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। जी जी जी। इसको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार जी, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं जी, पितरों का पिंडदान भी यहाँ होता है। हर मस्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, वैसाखी पर यहाँ रहने की भी सुविधा है। यहाँ हर समय लंगर रहता है। तो पंडित जी, गुफाओं का पता किस तरह से चला था कि यहाँ पर गुफाएं? वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा देर बता। हाँ, जी जी। तो यहाँ रहने की भी सुविधा है, हर समय लंगर रहता है, और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने यहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको, उन्होंने वहाँ काटा था। वो हमने माथे के ऊपर टीके लगा रखे हैं सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 9 देवियों के दर्शन हैं। 9 देवियों के। इधर भैरवनाथ जी महाराज जी हैं, और मेरे लेफ्ट में माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से, वैष्णवी नाम से जानी जाती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। अच्छा जी, और जी, जी। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आपके पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी सत को देखना जाना। सत में श्री यंत्र बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर, उसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे। यहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। और एक विशेष बात, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर का पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। गुफा के बारे में आप कह रहे थे कि गुफा का पता कैसे चला। यहाँ के 7-8 पीढ़ी हो गए हैं, यहाँ के बुजुर्गों के घूमते घुमाते इधर आए कहीं, तो उनको ऐसे ही पता चला। ये पूरा जंगल हुआ करता था। हाँ, जंगली है ये पूरा। हाँ, ये जो अभी पानी बह रहा है, यहाँ भी जंगली था। हाँ हाँ हाँ। पानी पहले पीछे हुआ करता था। पीछे होता करता था। और आज से 7-8 पीढ़ी पहले। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। इन शिवालय के बहुत सुंदर दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरी गुफा में। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं दूसरी गुफा। ये है दूसरी गुफा। देखिए सीढ़ी भी
पहाड़ को काट करके ही बनाई गई हैं दोस्तों। यह पांडव ध्यान कक्ष, ये भी इसी तरीके से देखिए पहाड़ी पर बनी है और आने का रास्ता आप देख रहे होंगे सामने। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही सुंदर देखिए श्री केदारनाथ मंदिर की जो प्रतिकीर्ति यहाँ पर रखी गई है, और ये देखिए पूरा ये पूरी की पूरी गुफा है, बीच में एक स्तंभ दिया गया है, और ये है पांडवों का ध्यान कक्ष। बाहर देखिए द्वारपाल विराजमान है, और अंदर चलते हैं गुफा के, मेन गुफा के। यहाँ पर देखिए छोटी सी शिवलिंग आपको नजर आएगी, और भगवान भोलेनाथ की जो है बहुत ही सुंदर मूर्ति देखिए। और भाई ने टॉर्च जला दिए जिससे कि आपको शिवलिंग के दर्शन करा पाऊं मैं। देखिए कितनी खूबसूरत शिवलिंग है, और यदि देखिए एक आला भी इसमें बनाया गया है। और यदि हम इसके रूफ की छत की बात करें तो यहाँ पर कुछ लाइटें लगा दी गई हैं, लेकिन जिससे कि जो है भक्तगण इसकी आकृति बहुत ही सुंदर जो उकेरी गई हैं वो भी देख पाएं। तो दोस्तों देखिए एक और अद्भुत बात ये है कि यहाँ की कि यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे जो है परिसर में, मंदिर परिसर में एक आम का पेड़, बहुत ही विशाल आम का पेड़ आपको ये नज़र आ जाएगा देखिए। और यहाँ साइड में राइट साइड में आप डैम देख रहे होंगे, डैम बनाया गया है देखिए। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं तीसरी गुफा में, जो कि देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये गुफा देखिए। आइए चलते हैं इस गुफा में, थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ता है, लोहे की सीढ़ी लगाई गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से ही चलना है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर देखिए पौराणिक, मैं आपको दिखा दूँ, ये है पांडव उपासना कक्ष। तो आइए अंदर चलते हैं, बहुत ही पुरानी शिवलिंग देखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। देखिए पांडव वाली माई, तो ये है पांडव का उपासना कक्ष, और बहुत ही सुंदर बहुत ही पुरानी यहाँ जो है शिवलिंग स्थापित किया गया है पांडव द्वारा, जिसकी वो पूजा करते थे। तो ये गुफाएं जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही पुरानी ये गुफाएं हैं। तो दोस्तों मैं अनुज परासर स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, तो आशा है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों यदि पसंद आएगी वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरों तक उसको शेयर भी करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम अभी आ चुके हैं जो है मुक्तेश्वर धाम की किचन में, और देखिए यहाँ पर बन रहे गरम गरम पराठे और चाय मिलेगी हमें यहाँ पर प्रसाद के रूप में, और आम का अचार भी साथ में मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए ये जो बच्चा है ना, हाँ ये बहुत ही बढ़िया लड़का है, और इसने इतनी सेवा करी है, रात को भी हमें खाना खिलाया इसने बहुत ही अच्छे से। और ये भाई साहब हमें यहाँ मिले हैं, ये भाई साहब भी बहुत दिल से सेवा करते हैं यहाँ भक्तों की। ये आगे सिर्फ हमारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा करते हैं ये आगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम यात्री लोग तो दर्शनों के लिए आते हैं, सेवा तो सच में आप ही लोगों की है। ये गुफाएं पांडव कालीन है, जब पांडवों को वनवास हुआ था उसी वनवास के दौरान वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर रुके और इन गुफाओं का निर्माण किया, यहाँ पर पांच गुफाओं का निर्माण किया। उनका मेन शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने जी, उनका द्वारा स्थापित दूना भी है जी, रसोई भी है, भंडार कक्ष है, ध्यान कक्ष है, मेडिटेशन रूम, एक उनका सेपरेट एक शिवलिंग और भी है गुफा। चार गुफाएँ उन्होंने जहाँ निर्मा किया, एक गुफा इसकी अपोजिट थी, वो डैम है आर एस की रंजीसा का डैम बना, उसके मलबे में वो दब चुकी। अच्छा डैम में चली गई अंदर, हाँ मच पहुंची,
अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि अंतर ध्यान हो गई हो, जलमग्न हो गई, वो वहाँ पहुँचना तो अब नामुमकिन ही है। उसका नहीं, हमारे लोगों की थोड़ी कमी है, उन्होंने एफर्ट नहीं की उसको बचाने के लिए। जैसे ये भी गुफाएं जल में समाधि लेने वाली थी, पर इसके लिए हमारे लोगों ने एजुकेशन की, जिसके कारण ये बचाव बच गई, इसकी प्रपोजल चल रही है, बच जाएगा ये। 10 करोड़ रुपये पर विनियोग हो चुकी है इसको बचाने के लिए, इसके लिए एक दीवार लगेगी। अच्छा अच्छा, और इसके आगे भी एक शाहपुर मिनी ब्रांच प्रोजेक्ट बनेगा, आरएसपी डैम का एक मिनी प्रोजेक्ट बनेगा। अच्छा अच्छा, तो लेक बनेगी, लेक में ये गुफाएं सर समा रही थी, परंतु जो एजुकेशन के आप लोगों सभी मदद से अब बच रही है। नहीं नहीं, पूरी हम भी कोशिश करेंगे, देखिए जो भी सोशल मीडिया है जिस तरह से कोशिश हो सकती है तो हम बहुत कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे कि इस तरह किसी भी तरीके से इसको बचाया जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक बहुत ही अद्भुत और सुंदर गुफाएं हैं। तो वैसे भी हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं वो विलुप्त ना हों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि उसी के आधार पर हमारा ही जीवन आगे चलना है, हमारे बच्चों का, आगे जो पीढ़ी आने वाली है उन्हीं सभी का जो है जीवन जो है चलना है। तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से इसको हम बचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो आप जैसे यहाँ पर सारा कार्यभार आप ही संभालते हैं, बाकी और मैं देख रहा हूँ बहुत काफ़ी स्टाफ है जो यहाँ पर सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मैं तो अधिकतर संडे को जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मंडे को रहता हूँ, मंडे को सुबह तक रहता हूँ, अच्छा चला जाता हूँ, बाकी अपनी जीविका के लिए वर्क करना पड़ता है। हाँ सही बात है, सही बात, बाकी तो स्टाफ आ जाएगा, स्टाफ मैनेज करेगा बाकी। बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।